नमस्कार मित्रों, ये हैं हमारे मित्र शिव शरण सिंह जी और इन्होंने अपने छत पर बागवानी लगा रखी है। उसमें बहुत सारे फल फूल और सब्जियों के भी पौधे हैं। तो आइए, जो इस समय जनवरी के महीने में जो कुछ फल फूल सब्जियां लगे हैं उनके बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं और एक एक करके उन फल सब्जियों के को भी दिखाते हैं। तो शिव शरण सिंह जी, पहले आप कौन से अपना सब्जी फूल दिखाना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले हम ये दिखाएं, एक मिनट रुको, ये ठीक है। ये है कुनी का पौधा। अच्छा, ये कौन सा पौधा है? मूल रूप से अमेरिकन पौधा है, लेकिन अपने यहाँ भी इसकी खेती होने लगी है और ये फल लगा हुआ भी है। अच्छा, इसको आप अक्टूबर से फरवरी तक उगा सकते हैं। अच्छा, अक्टूबर से फरवरी तक इसको उगाया जाता है। इसकी खेती होती है। इसको क्या है, जुकनी कहते हैं? जुकनी, या यहाँ अपने यहाँ प्रचलित हो गया है, प्रचलन में आ गया है। इसको तो वैसे देसी कद्दू के कहते हैं, कद्दू बोलते हैं। हाँ, लेकिन इसका मूल नाम जुकनी है। अच्छा, जुकनी है। ये कहाँ का पौधा है? अमेरिकन पौधा है। अमेरिका में या अन्य फॉरेन कंट्रियों में इसका उपयोग जो है सलाद के रूप में किया जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये मित्रों ये मूल रूप से अमेरिका का पौधा है और चुकनी कहते हैं इसको। यहाँ पे इसको लंबा वाला कद्दू भी कहा जाता है। ये दो पेड़ लगे हैं, बहुत अच्छी इनकी सब्जी है। और इसके अलावा ये सामने वाला कौन सा पौधा है? फ्रेंच बीन का पौधा है, इसमें फ्रेंच बीन्स लगी हुई है। अच्छा, ये फ्रेंच बीन का पौधा है। फ्रेंच बीन्स का ही इधर भी, आपके इधर भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ ये देखो लगी तो है, इसमें पेड़ लगाए हैं करीब। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे हैं, फलियाँ देखो इसमें की थी। और ये सबसे बढ़िया स्वास्थ्य के लिए, जितनी भी बीन्स फसलें हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहती। अच्छा, तो सुशरण सिंह जी ये बताइए भैया, इसको ये किस महीने में लगाया था? ये अभी अक्टूबर, 15 अक्टूबर के आसपास लगाया था हमने। तो और ये फरवरी तक आपकी फलत देती रहेगी। अच्छा, फरवरी तक फलत देती रहेगी। इसको तोड़ेंगे, धूप फूलना शुरू हो गया है तो फ्लावरिंग आना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये बताइए गमलों की जो खेती है ये कहाँ तक सक्सेस है और इसके बारे में क्या मतलब आप सब कहना चाहते हैं कि मतलब अन्य भी लगाएं तो ये सक्सेस है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सक्सेस है। जब आपकी फ्लावरिंग शूटिंग अच्छा और हर चीज हो रही है तो क्यों सक्सेस नहीं? सक्सेस है, बशर्ते ये है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, समय समय पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसके लिए समय समय पर खाद देना पड़ेगा है। और अब ये देखिए, जैसे फ्रेंच बीन है, सक्सेस नहीं है। अरे ये तो देखिए बहुत सारी फलियां लगी हैं, जबकि इसको हमने दूसरे पौधे में ऐसे ही लगा दिया था, है ना। मित्रों, हमने धनिया लगा दी थी, धनिया तोड़ते रहते हैं अपना, फूटिंग इसमें होती रहती है। ये कितने का ग्रो बैग, कितना लंबा चौड़ा है ये ग्रो बैग? देखो बहुत अच्छी धनिया इसमें, अपने खाने भर के तो बहुत बढ़िया निकलती है। हाँ, ग्रो बैग ये फरवरी तक चलता रहेगा, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। लास्ट फरवरी तक ये आराम से चलता रहेगा। अच्छा, और ये गमला जो पड़ोस में रखा इसमें क्या है? गमला इसमें जो है ये एक ये। इसमें तो वैसे हमने ये भी लगा रखा है। अरे वाह, जहाँ जहाँ फ्रेंच बीन लगी है, देखिए कितनी सारी फ्रेंच बीन्स लगी है, ये तो बहुत बढ़िया। ये भी किसी फ्रेंच बीन का है क्या? पौधा कोई लंबी सी जो है वो लगती है, उसका नाम लता का है। ये केवाच का पौधा है। केवाच का पौधा है और इसको जो है ये पूरे वर्ष भर रहता है। अच्छा, अभी इसकी जैसे ही गर्मी शुरू होगी फरवरी, हल्का सा धूप तेज होगी, इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। संतरे का पौधा है। अच्छा, ये संतरे का पौधा है। कि हम जब ये लाए थे तो बड़ा कंफ्यूजन था कि यहाँ इस वातावरण में पता नहीं लगे ना लगे, लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद ये फ्रूटिंग इसमें आई है और ये छोटे छोटे हैं। गमले में सफलतापूर्वक हो गया? हाँ, इसमें करीब करीब 20-25 फल लगे हुए हैं वर्तमान में। अच्छा, इस संतरे का है। जबकि हमने थिनिंग कर दी थी, थिनिंग माने कई कटाई छटाई तोड़ दिया था, समझ रहे। छोटा पौधा है। तो इसलिए ठीक है कुल मिला के। और ये बगल में किस चीज का पौधा? शहतूत का पौधा है। अच्छा, ये साल में वर्ष में 2 बार ये फलत होती है। अच्छा, तो तीन के आने वाला है, फरवरी 15 फरवरी के आसपास इसमें पत्तियों से ज़्यादा फल दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, तो मित्रों ये हैं हमारे शिवशरण भाई और इन्होंने अपने छत पे देखिए और भी बहुत सारी फलियां हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में रोक रहे हैं, फिर दूसरा वीडियो डालेंगे। तो
तो ये आपको परिचय कराया इन्होंने अपने यहाँ, ये जो सहतूत का पेड़ है इससे परिचय कराया, बहुत अच्छे सहतूत लगे हुए हैं। और ये दूसरा इन्होंने पेड़ बताया, इन्होंने दिखाया अपने यहाँ का, ये किस चीज़ का पौधा बताया भाई साहब? संतरे का पौधा है। और इसमें देखिए इतने छोटे छोटे ये संतरे भी लगे हुए हैं। और ये देखिए बीन्स का पेड़ अपने इन्होंने दिखाया, कितने सारे बीन्स इसमें लगे हुए हैं। और फिर ये धनिया दिखाई इन्होंने कि धनिया लगा हुआ है, फिर बीन्स है, और फिर झुकनी का पौधा है। तो ये सारी इन्होंने खेती अपने यहाँ पर की है और बड़ी सफलतापूर्वक बहुत अच्छे तरीके से इनके यहाँ ये पैदावार हो रही है। और अपने मतलब रसायन मुक्त है ना, इसमें कोई रसायन, कोई केमिकल कोई नहीं, हाँ हार्मफुल केमिकल नहीं, टोटल जैविक है और टोटल वर्मी कंपोस्ट और जो घरेलू खाद है उससे बना, हाँ है। तो हमने मटका में अपनी खाद भी बना रखी है। देखिए ये देखिए इन्होंने खाद भी बना के रखी है मटके में, दो मटके है। हाँ। और ये अपना जो है थोड़ा सा कल्चर बना रखते है। तो ये देखिए पूर्ण रूप से इन्होंने जैविक तरीके से इन्होंने अपने खाने पीने भर के लिए साग सब्जियाँ ये अपने छत पे खुद तैयार की हैं। तो मित्रों आप भी कर सकते हो ऐसा और बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। और जो कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, या जो कुछ भी और भी समझना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।